25.3 जल्दी से इसको 5 मिनट के अंदर बना के दिखाओ जरा सब मिलके, पूरा घंटा दे देना। कितना बार बोले दो तीन जीरो। अच्छा ये जो हम क्वेश्चन लगा है बनाने वाला क्वेश्चन है, बनना है वहां पांच बोलेंगे तो क्या जी दो के स्क्वायर तीन के स्क्वायर जीरो का स्क्वायर तेरा सबके जोड़ देना है। डायरेक्शन दी तो बात निकालना तो क्या लिखेंगे दो तीन जीरो दी भुजिया निकालना है उसी के मापांक से क्या दे देना खाना दो रूट तेरा थ्री रूट तेरा और जीरो रूट तेरा इसका मतलब क्या जी जीरो जीरो हो गया आंसर। ये बनाने वाला था यही ऑब्जेक्टिव आता है तो संडे के दिन रहेगा आपसे और कहेगा कि हमको अच्छा नंबर आना चाहिए भाई कहां से आएगा भूल तो बापू संडे ठीक है पढ़ाई या पूरा कष्ट कर लो। चलो एक्सरसाइज 25.3 में कितना प्रश्न हो चुका था ठीक क्लियर। चलो चार देखना है वंदे भारत खाली ट्रेन नहीं तुम लोग को भी पढ़ना है वंदे भारत लो किताब मत लो कोई पढ़ो तो बस। चलो चार नंबर प्रश्न अभी संरेख वाला चल रहा था ना। अच्छा बताओ संरेख कब होता है जब किसका पालन करेगा ए बी बराबर एक्स बी सी का यदि पालन करता है तो वह क्या होगा संरेख होगा काम खत्म। तो देखो चार नंबर में कह रहा सतीश ए और बी संरेख नहीं है तो संदेह नहीं है या क्या करें कि x के किस मान के लिए लो नहीं है और तुमको बताना है कि x का कौन सा ऐसा मान होगा ताकि इसको संदेह कर दे। कोई बात देख लेते हैं c और d दिया हुआ है ना c और वेक्टर c दिया हुआ है x माइनस टू a प्लस बी इसके बाद d दिया हुआ है 2x प्लस वन ए माइनस बी ठीक है ना। चलो ये दोनों संरेख है ये दोनों क्या चीज है संरेख। अब तुमको बतलाना है कि ए और बी संरेख नहीं है यहाँ पे क्या दे दिया है ए और बी जो है वो संरेख है कि नहीं है संरेख नहीं है ए और बी पहले इसके बाद चलो ये चीज हमको दे रखा है लेकिन क्वेश्चन में ये है कि सी और डी संरेख है लेकिन ए और बी संरेख नहीं है तो एक्स का ऐसा कौन सा मान हो जाएगा ताकि ये और बी संरेख हो जाएगा। कोई बात नहीं संरेख का मतलब दोनों को हमको बराबर देखना है क्या देखना है बराबर यहाँ भी बी है यहाँ भी बी है लीला लग दिया कि यहाँ प्लस है यहाँ क्या है तो दोनों को क्या कर देना प्लस कर देंगे तो बोलो प्लस कैसे होगा तो इसी को हम क्या लिख सकते हैं यानी डी बराबर क्या लिख सकते हैं बोलो तो हम कॉमन ले लेते हैं माइनस क्या ले लेते हैं
यदि हम माइनस कॉमन लेंगे तो बोलो तो यहाँ क्या हो जाएगा, ध्यान से देखना, हम लिखेंगे माइनस टू एक्स माइनस एक, काम खत्म, ये ऐसे रहने दी, और ये क्या हो जाएगा प्लस बी, आगे समझ में, अब देखो बी बी प्लस में ए जैसे जैसे जो के क्यों हो गया, संरेख में हमेशा देखना दोनों क्या है बराबर है कि नहीं। अब मेरे ख्याल से इसको और इसको तुम देखो, इसको और इसको देखो, क्या दोनों बराबर जैसा लग रहा है, बी बी बराबर हो गया, तो कहने का मतलब ए ए भी क्या हो जाएगा बराबर। तो ध्यान से देखो लिखेंगे, चूंकि ए और बी को संरेख होने पर, क्या होने पर, संरेख होने पर, तो संरेख तभी होगा जब दोनों का मापा यानी गुणांक बराबर होगा, बी का गुणांक भी बराबर, ए का गुणांक भी बराबर, तो बी को देख रहे दोनों में बराबर है, क्या ए में बराबर है, तो इसी को लिखेंगे, तो क्या लिखाएगा बोलो तो जरा, एक्स माइनस टू बराबर में क्या लिखेंगे, माइनस टू एक्स माइनस टू एक्स माइनस, इसको हल कर लेंगे, एक्स माइनस टू बराबर माइनस माइनस प्लस टू एक्स, प्लस कितना, काम खत्म हो गया। अब बोलो तो जरा ये इधर इसको उधर कर लो, इसको उधर कर लो, तो माइनस टू और माइनस वन बराबर टू एक्स माइनस एक्स होगा ना, तो ये कितना आएगा कट के, इधर क्या आएगा, तो बोलो एक्स का मान कितना आ गया, अरे एक्स के मान माइनस थ्री हो सकते, काम खत्म, तो भाई एक्स का ही मान निकालना, जल्दी सुनो, केमिस्ट्री का हमने हमको कुछ पता है, चलो इसको मिटा दिया जाए, एक अपने केमिस्ट्री ऐसा गलत गलत सब्जेक्ट कोई हो ही नहीं सकता, कैसे बताने वाली, चलो इधर आओ, अभी तुम लोग संरेख देख लिया है लड़का, 25.3 के अंतर्गत क्या जान लिया, संरेख के बारे में, एक बार फिर से बता दो संरेख कब होता है, जब ए बी बराबर एक्स किसी का पालन करेगा तब संरेख होगा। अब हम लोग आगे देखते हैं जिसको बोले कि अगला मेरा कॉन्सेप्ट है समतलीय, क्या चीज है समतलीय, समतलीय या एक तलीय, समतलीय या क्या, ये मेरा आज का कॉन्सेप्ट है, ये क्या है जाना पहचाना बरसों पुराना है, अब कैसे है मैं अभी बताता हूँ, ध्यान से देखेगा, जब समतलीय और एकतलीय नाम पता चले पूछेगा तुमसे वेक्टर दे देगा, क्या दे देगा वेक्टर, क्या देगा बताओ क्या यह समतलीय है या क्या यह एकतलीय है, तो ये कब होगा हम जानेंगे, सबसे पहले हमें तीन गो वेक्टर दिया रहेगा क्वेश्चन में, क्या गो, तीन गो दिया रहेगा, थ्री आई टू जे प्लस फाइव आई प्लस टू जे प्लस जीरो के, सेवन आई प्लस सात जे प्लस छो, अब तो पहले कुछ नहीं आ रहा पर मन से कुछ लिख दो, अभी कॉन्सेप्ट समझना, क्या समझाना, तो इस तरह से ए बी सी दिया रहेगा, हम कह देगा पता क्या यह समतलीय है, करना कुछ नहीं है, समतलीय होने के लिए क्या जानेंगे हम, लिखेंगे सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, यही समतलीय होने के लिए, अच्छा समतलीय बोले एक तलीय बात वही हुआ कि नहीं, तो बताओ समतलीय होने के लिए करना कुछ नहीं है, यदि इसका डिटरमिनेंट जीरो आ गया तो बस समतलीय होगा, तो इसका डिटरमिनेंट कैसे निकालेंगे, तीन वन सात दो दो चार पांच जीरो छह, काम खत्म, डिटरमिनेंट निकालना है, मैथ का स्टार्टिंग पॉइंट लगभग लगभग 80% पर पहुंचे तो लग रहा है कि खत्म होने की कगार है, फिर से भी बीच हो गया, मैट्रिक्स है ना, इसका मान निकालने से पता है किसी एक रो या किसी एक कॉलम से निकाल देंगे, तो जब निकाल देंगे तो यदि मान जीरो बराबर जीरो आ गया तो समतलीय होगा, यदि जीरो बराबर जीरो नहीं आएगा तो क्या समतलीय होगा, काम काम खत्म, एक चीज समझ में आ गया ना, अच्छा समतलीय मतलब क्या समझता,
जैसे बोलते हैं ना सन रे, तो समझता है कि एक ही रेखा पर है, उसे क्या कहते हैं? अब यहाँ समतलीय, समतलीय मतलब एक ही तल पर, उसे हम क्या कहते हैं? समतलीय। तल कितने होते हैं? तीन। एक्स वाई जेड। अगर तीनों सदिश ए बी सी आदि जेड अक्ष पर है तो वह क्या होगा? वो क्या होगा? समतलीय। आदि एक्स अक्ष पर है तो क्या होगा? आदि सिर्फ वाई अक्ष पर है तो क्या होगा? समतलीय। बात समझ में आ रहा है? तल कितने होते हैं? गिनने चल रहा है, दो तीन चार पाँच छह तल है, ऐसे नहीं। तल कितने? तीन। एक्स वाई खत्म। तो कल हम एक क्वेश्चन आया था जेड एक्स जेड वाई आदि कोई समीकरण जो है जेड एक्स वाई एक्स जेड वाई पर है तो इसका जो तल होगा जेड एक्स यानी वाई बराबर क्या हो जाएगा? जीरो। वाई बराबर वाई एक्स पर है तो जेड बराबर क्या हो जाएगा? जेड वाई है तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा? अच्छा ई वाला जो हम अभी बात लिखे सबको नहीं समझ में आया होगा, जो कल देखा होगा उसको समझ में आया, इसलिए संडे को अपने संडे क्या है, कौन करता है कि संडे में आराम सुकून फरमा, कोई बोलता है फरमाने के लिए? तुम खुद मनाता है संडे, हर एक दिन मानो कि सोमवार है, हर एक दिन क्या मानो? सोमवार है। तो तुम लोग संडे का इंतजार कर ले रहे हो, ऐसा नहीं कर। चलो तो नीचे हेडिंग लगाओ समतलीय या एक तलीय होने पर, पीछे हेडिंग लगाओ समतलीय या एक तलीय होने पर। समतलीय या एक तलीय होने पर, चलो नीचे बोले लिखेगा, नीचे लिखो समतलीय एक तलीय होने पर, नीचे लिखेगा यदि 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 दिया गया सदिशों का मापांक, यदि दिया गया सदिशों का मापांक बोलो या डिटरमिनेंट बोलो, बात वही की अलग है। यदि दिया गया सदिशों का मापांक शून्य हो, शून्य हो, शून्य माने जीरो, जीरो माने शून्य हो, हाँ क्या हो? शून्य हो। दिया गया सदिशों का मापांक शून्य हो तो वह सदिशों, यहां पे लिखना सदिशों, तो वह सदिशों सदिशों समतलीय या एक तलीय होगा, समतलीय या एक तलीय होगा। समतलीय या एक तलीय होगा, क्वेश्चन रेक का काम करता मेरा दूसरा टॉपिक समतलीय एक तलीय, क्लियर है? तो देखो हम तुम लोग को यही एक चीज बताते हैं, ज्यादा कॉन्सेप्ट को रटो नहीं, उस पर आधारित इतना क्वेश्चन बना लो कि कॉन्सेप्ट एकदम आसान हो जाएगा, इसलिए कभी भी गलती नहीं करना। अगर मैथ में ढेर सारा फॉर्मूला आ गया तो उसको रटने नहीं जाना, उस पर 10-15 पॉइंट बना लेना, कभी नहीं भूलेगा, रटा हुआ चीज जल्दी चल जाता है, ठीक है? इसलिए रटो नहीं, समझ समझ के पढ़ो। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5 का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पढ़ो तो करें। यदि एबीसी समतल समतलीय सदिश है तो दिखाइए कि निम्नलिखित सदिश समतलीय होगा, क्लियर है? सदिश दिया हुआ क्या चीज? 2a दिया ना, अच्छा आई जे के जगह यहाँ एबीसी लिख दिया, 2a 3b 4c, आगे बोलो माइनस ए 3b माइनस 5c माइनस ए प्लस 2b माइनस, अरे जनरेटर में भाग के कर रहे हैं अच्छा इसका मापांक निकालने आएगा, मापांक मतलब डिटरमिनेंट भाई, आदि शून्य हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? तो नीचे लिखेंगे चूंकि समतलीय होने पर, क्या लिखेंगे? समतलीय होने पर, क्या समतलीय होने पर क्या जानता है जी? हाँ जानते हैं, जानते हैं क्या? 2 - 1 - 3 - 2 - 4 - 8 - 8 - 2 - 4 - 8 - 8 - 2 - 4 - 8 - 8 - 2 - 4 - 8 - 8 - 2 - 4 - 8 - 8 - 2 - 4 - 8 - 8 - 2 - 4 - 8 - 8 - 2 - 4 - 8 - 8 - 2 - 4 - 8 - 8 - 2 - 4 - 8 - 8 - 2 - 4 - 8 - 8 - 2 - 4 - 8 - 8 - 2 - 4 - 8 - 8 - 2 - 4 - 8 - 8 - 2 - 4 - 8 - 8 - 2 - 4 - 8 - 8 - 2 - 4 - 8 - 8 - 2 - 4 - 8 - 8 - 2 - 4 - 8 - 8 - 2 - 4 - 8 - 8 - 2 - 4 - 8 - 8 - 2 - 4 - 8 - 8 - 2 - 4 - 8 - 8 - 2 - 4 - 8 - 8 - 2 - 4 - 8 - 8
देखते हैं कितना ही आदमी को पुरानी बातें उपाट जाता है शरीर से।
देखता है ना कि नरेंद्र वो पॉइंट देख के चलता है, समतलीय में लाभ लगा नहीं पड़ा, समतीय दिखा दिया। अब देखते हैं याद है कि भूल गया कैसे मान ले जाता है। अरे तुम लिखो ना कैसे लिखेगा, डायरेक्ट क्या होता है इसमें? उल्टा पुलटा कर रहा है क्या? मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट भरा हुआ रहता है, कैसे लोग मान निकालेगा? इसीलिए मैं कहते बाबू सेट के दिन अब्सेंट नहीं रहो, सारा यानी सारा चैप्टर का रिवीजन होता है एक प्रकार से समझो। जीरो बस तो होना है, कुछ ना कहीं तो होने करेगा ना। चलो हाँ, जिसको नहीं आता है मान निकालने के लिए अभी तक, उसको तो यही एक उपाय है। क्या उपाय कर देखेगा? सबसे पहले कैसे सिखाए थे बाबू? अरे हमको पहला रो से निकालना चाहते हैं, तू को झांको नहीं, जिस रो में है तू और जिस कॉलम में उसको झांको। तो रो, ये रो हो गया, ये कॉलम हो गया, क्या क्या बचा? तीन दो माइनस पांच माइनस थ्री, ये होता है माइनस में, किसमें होता है? यहाँ माइनस तीन है लिखा गया, जिस रो में है जिस कॉलम में उसको ठाको, ठका गया। माइनस एक माइनस पांच माइनस, हाँ माइनस एक और माइनस एक, माइनस पांच और माइनस तीन, किसमें होता है? प्लस में, तो यहाँ लिखा जाएगा प्लस चार, प्लस कितना? चार। अब सामने का रो कॉलम ठकेगा, माइनस एक तीन दो, माइनस एक माइनस एक तीन दो। अब इसको हल कर लेते हैं, दो तीन दिया के अब ये होता है माइनस में, लेकिन बंद नहीं, माइनस माइनस प्लस, ये हो गया कितना? तीन है का ये होता है माइनस में, तब पांच एक माइनस माइनस प्लस ये जाएगा, तो कितना जाएगा? चार माइनस दो, अब प्लस में कितना? ऐसे होगा प्लस तीन, समझ में आ गया? हाँ दो, ये हो गया कितना? ये तीन, कितना हो गया? और ये चार, ये कितना हो गया? बराबर में लाना क्या था रे? जीरो, तू काहे के लिए छोड़ रहा? दो माइनस तीन दूनी छह प्लस चार बराबर, तो चार दो
माइनस 6 बराबर क्या चीज, यानी 0 बराबर क्या चीज, 0। क्या यह समतलीय है? तो लिखेंगे अतः दिया गया तीनों सदिश समतलीय है। ऐसा सब ला करके छोड़ दिया कि ना हो गई। अरे जो बोल रहे हो नीचे लिखेगा कि नहीं? क्लियर है? मिटाया जाए इसको। अब आप लोग 5 नंबर में टोटल 3 क्वेश्चन है, जिसमें से एक को बनाए 2 को बन जाएगा समतलीय चिन्ह करना। छठा में ठीक उसी प्रकार है जो 5वां नंबर क्वेश्चन है, समतलीय चिन्ह करना बन जाएगा वो भी। अच्छा तुम लोग घर में बनाता है कि नहीं? क्या सुनंदा राम समतलीय सदिश है तो दिखाई, उससे मतलब नहीं, उससे मतलब नहीं, बन जाएगा दोनों से, ठीक है तो बन जाएगा ये चीज। अरे 5वां में तो उसी लिखा है, सुनंदा समतलीय सदिश ने लिखा है 5वां में, जो छठा में तो 5वां छठा सेम प्रश्न है। क्लियर? हम तुम लोग को 7वां बताने जा रहे हैं, लेकिन 7वां में कह रहा है 3 वेक्टर दे दिया समतलीय है, ये बोल दिया समतलीय है, तब कह रहा है इसमें x का मान ज्ञात करें। चलो तुरंत बना, यदि 2i माइनस j प्लस के वेक्टर लिखा देना तो प्लस के, इसके बाद i प्लस 2j माइनस 3, इसके बाद xj प्लस i, कह रहा है समतलीय है तो x का मान निकालो। तो हम लोग सब जानते हैं समतलीय होने पर क्या जानते हैं, जीरो। समतलीय होने पर जीरो जानते हैं ना, 2 1 3 माइनस 1 2x a माइनस 3 5 बराबर क्या चीज, जीरो। अब इसमें हमसे x का मान पूछ रहा है, वो अपने आप निकल जाएगा, माने इसका मान तुम निकालो, x का मान अपने आप चाहो। यदि हम इससे निकालना चाहते हैं तो 2 को लिखेंगे सामने करो कॉलम कटेगा 2x माइनस 3 5, ये लिखेंगे माइनस में लेकिन हो जाएगा प्लस, सामने करो कॉलम कटेंगे 1 3 माइनस 3। फिर ये वाला लिखेंगे प्लस में, सामने करो कॉलम कटेंगे 1 2 3। किसको नहीं समझ में आया? सबको समझ में आ गया? मान निकाल दो, इसके बाद आगे हम कुछ नहीं करेंगे। क्या बोला? स्कूल जाते तो विदाउट रेस में मेला लगता है क्या रेस, सब लोग ऐसे जाता है एग्जाम देने के लिए सब जाएगा जाते हैं एग्जाम नहीं जाएगा नहीं तो घर वाले कुछ करते रहते हैं क्या कसूर है? देखो मतलब ऊपर गेम धंधा कर रहा था मोबाइल, नीचे नेट नहीं चलता।
अब उस रास्ता से जब भी गुजरना तो लाइट जला के गुजरना, बहुत साफ मिलता है। आने वाला समझ गया, बढ़िया है। एक अपने एक सामान निकल गया, जल्दी करेगा। अरे नहीं, एक बार की बात है, जब हमको मिला ना तो हमारा तो हार्ट बीट चलना बंद हो गया, घर में आके चालू हुआ। फिर नहीं नहीं, सावधानी अपना ही है, कम से कम लाइट रहता तो लाइट जला के फिर भी अचानक मिल जाता है। अब तुम लोग वहां ठंडा लगता है, जो नहीं उठता सबके सब भाग आता है। रात में कौन रहेगा? हम रात रहते वहां आ जाएंगे ना, तो पता चला वही चाबी खुलेगा 8 बजे। क्लास बन जाएगा कि बताना पड़ेगा? जैसे बता रहे थे बन जाएगा, एक सामान सबसे निकल जाएगा। इसका मान निकालेंगे, टू गुणा करेंगे, बंद हो गई। अब माइनस तो होता है लेकिन माइनस माइनस काम खत्म। प्लस है 5 एकम 5, इसको कर लेंगे। आ जाओ एक्स माइनस, अरे एक लिखे चार लिखे बात बराबर, इसको हल कर ले। 10 दूनी 20 प्लस 3 दूनी 6, ये 9 5 अरे इसका पहले कितना करें, एक के ताको 14, और ये x माइनस कितना 6 बराबर 6। आ जाओ 20 14 34 20 14 34 में से छोड़ गया 28, ये हो गया कितना 7x बराबर 0। ये प्लस उधर चल जाएगा, क्या हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा, इसलिए x बराबर कितना आ जाएगा बोलो? -28/7, 7 × 4 − 28, x का मान कितना लिया? 4। देखो यही चीज को अगर हम बताते तो इसी को 5 मिनट में बताते, टाइम पास हो ऐसा समझ में। एग्जाम कितना बजे बताया? 9:30 स्टार्ट है। नहीं, 9:00 आठवां नंबर प्रश्न, जांच करें कि निम्नलिखित सदिश समतलीय है या नहीं। 0 आएगा तो समतलीय होगा, 0 नहीं आएगा तो समतलीय आगे। 9 नंबर जांच करें कि निम्नलिखित सदिश रैखिक आश्रित है या रैखिक क्षेत्र, तो इसका कॉन्सेप्ट पढ़ाएंगे तब बताएंगे, ठीक है? आज हम तुम लोग को क्या समतलीय का एक आज तुम लोग को हम जो कॉन्सेप्ट बताएंगे समतलीय का होता है, कल तुम लोग को बताएंगे रैखिक आश्रित या रैखिक आश्रित, ठीक है? कल का ये कॉन्सेप्ट रहेगा, आज रहने देते हैं, आज हम फिजिक्स के अंदर।